लोग कह रहे थे कि मशरक नहीं अच्छा होगा, वहाँ उनकी पकड़ है, कोई लोगों को डराने वाले लोग हैं यहाँ, जो लोग डरते हैं कि वहाँ शायद अच्छा नहीं हो। 10 सालों में एक काम उन्होंने नहीं किया है, चाहे वो स्वास्थ्य व्यवस्था हो, शिक्षा व्यवस्था हो, सड़क हो, या इस लोकसभा क्षेत्र की कनेक्टिविटी हो महानगरों से यहाँ तक कि बिहार की राजधानी पटना से। और जो प्यार समर्थन आप लोग दे रहे हैं इसको बनाए रखें, और हम मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कैसे आप लोगों का धन्यवाद करूं। नमस्ते, मेरा नाम प्रकाश है, आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, चुनावी मौसम में बयानबाजियों का दौर जारी है। इस बीच बड़ी खबर आपको दे दें, महागठबंधन के ओर से महाराजगंज लोकसभा सीट के उम्मीदवार आकाश सिंह ने बीजेपी पर बड़ा प्रहार किया है। देखिए, छपरा के मशरक में वो चुनावी कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे थे, इसके बाद आकाश सिंह ने रोड शो भी किया और महाराजगंज की जनता के बीच जाकर आकाश सिंह ने कहा है कि बीजेपी ने तो इतने दिनों में नाश किया है, हम विकास करेंगे। देखिए, कांग्रेस के टिकट पर आकाश प्रसाद सिंह चुनाव लड़ रहे हैं महाराजगंज लोकसभा सीट से, क्या कुछ कह रहे हैं जरा वो सुनी। सबको फेल कर दिया, लोग कह रहे थे कि मशरक नहीं अच्छा होगा, वहाँ उनकी पकड़ है, कोई लोगों को डराने वाले लोग हैं यहाँ, जो लोग डरते हैं कि वहाँ शायद अच्छा नहीं होगा। लेकिन यहाँ जब हम आए और आप लोगों को देख रहे हैं, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ कोई किसी से डरने वाला नहीं है। और ये जो 32 साल का युवा आपके बीच खड़ा है, मैं डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी का बेटा हूँ, कहीं भी कोई ज़रूरत पड़े मैं आपके लिए खड़ा हूँ, और वोटिंग के दिन मैं मशरक प्रखंड में ही रहूँगा। किसी के अंदर कोई साथी जो यहाँ नहीं हो, उनके अंदर कोई किसी प्रकार का डर हो, भय हो, उसको आप लोग निकालने का काम कीजिए, और पोलिंग बूथ तक ले जाने का काम करें। वोट हम लोगों के पास है साथियों, हम सब जगह कह रहे हैं, यहाँ भी कह रहे हैं कि आपके जानने वाले लोग, आपके रिश्तेदार दोस्त जो बाहर नौकरियां कर रहे होंगे, उन लोगों को भी वोटिंग के दिन कृपया करके फ़ोन करके बुलाएं, और हम लोग अपना मार्जिन जितना हो सके उसको बढ़ाने का काम करें। सांसद बनने के बाद जो एक अच्छे सांसद को करना चाहिए वो सारा काम मैं करूंगा। सेगरीवाल जी क्या बतौर सांसद उनका क्या काम रहा है नहीं रहा है, ये लोग आप लोग सब जानते हैं। 10 सालों में एक काम उन्होंने नहीं किया है, चाहे वो स्वास्थ्य व्यवस्था हो, शिक्षा व्यवस्था हो, सड़क हो, या इस लोकसभा क्षेत्र की कनेक्टिविटी हो महानगरों से यहाँ तक कि बिहार की राजधानी पटना से, कोई पैसेंजर ट्रेन नहीं चलता है, चाहे रेल के ढाला की समस्या हो, महाराजगंज मार्केट में हैंडलूम पावर लूम इंडस्ट्री थी वो सब बंद हो गई, 14-15 तक चला, और मोदी जी के आने के बाद, केजरीवाल जी के आने के बाद सब बंद हो गया। तो हर एक बिंदु पर मेरा प्रयास होगा, और सब चीज़ों को हम लोग अच्छा करेंगे, यहाँ पे विकास करेंगे, और जो प्यार समर्थन आप लोग दे रहे हैं इसको बनाए रखें, और हम मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कैसे आप लोगों का धन्यवाद करूं। मैं आगे बढ़ूंगा, हम लोग सब अच्छे कार्यकर्ता बन के इस चुनाव के त्योहार को मनाएंगे। मैं अच्छा नेता बनने का मेरी पूरी कोशिश होगी, प्रयास होगा, लेकिन अगर कोई हमको आंख दिखाने का काम करेगा तो आकाश सिंह चुप नहीं बैठेगा। तो कांग्रेस के उम्मीदवार आकाश प्रसाद सिंह को आप सुन रहे थे, महाराजगंज की जनता के बीच जाकर आकाश सिंह बीजेपी पर प्रहार कर रहे। देखिए, चुनावी कार्यालय का मशरक में आकाश सिंह ने उद्घाटन किया है, वादा किया है महाराजगंज की जनता से, चुनाव जीतने के बाद जो विकास करेंगे वो महाराजगंज की जनता देखेगी। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहे, धन्यवाद।